हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं अभिषेक कुमार इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं एनसीईआरटी बुक से ये था तो, आप लोगों ने 13 13 किया होगा अच्छे से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन और अच्छे लेवल के दो मार्क्स तीन मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं वो आते हैं इस से. तो टोटल चार क्वेश्चन है इसमें हम वो चार क्वेश्चन को देखते हैं डिटेल में उनके सोल्यूशन क्या है तो पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने नंबर है और इस नंबर को लिखेंगे ठीक है दूसरा जब एक्सपेंड करेंगे तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे पावर्स तो उसमें उस चीज को कैसे दिखाना है देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम्हारे पास एक नंबर है पहला नंबर है टू सेवन इन फोर जीरो फोर यही पहला नंबर है अब इसको मुझे एक्सपैंड करके लिखना है तो हमने बचपन में सीखा था कि भाई जो नंबर सबसे आखिरी में होता है इसको यूनिट्स डिजिट कहते हैं ये टेंस डिजिट है ये हंड्रेड्स डिजिट है और ये फिर टेन मतलब ये थाउजेंड डिजिट है फिर ये टेन थाउजेंड्स डिजिट है और ऐसे ही हम लोगों ने सीरीज आगे पढ़ना चालू किया था तो ये प्लेसेस हमने बचपन में पढ़ी थी कि इसको यूनिट्स प्लेस क्यों कहते हैं इसको टेंस प्लेस क्यों कहते हैं इसको टेंस प्लेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन है टेन का इसको हंड्रेड प्लेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन है हंड्रेड का मैं क्या बोलना चाहता हूं इस चीज को समझना अगर मैं ये यूनिट्स प्लेस का डिजिट फोर उठाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं इस फोर के साथ वन मल्टीप्लाइड है ठीक है ना और यह नंबर प्लस हो रहा है इस जीरो के साथ मैं कहूंगा कि 10 का मल्टीप्लीकेशन है फिर ये प्लस हो रहा है इस फोर के साथ और इस फोर के साथ हंड्रेड का मल्टीप्लीकेशन है ऐसे ही आगे आते जाते हैं अगर हम तो हम ऐसा बोलेंगे कि नाइन के साथ थाउजेंड का मल्टीप्लीकेशन है देखिएगा वंस का इसलिए यूनिट्स प्लेस

तीन चार और पांच क्लियर है ना देखो एक दो तीन चार जीरो फिर पांच जीरो इसी तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं हमने खोल दिया नंबर को तोड़ दिया ठीक है देखो टू इंटू वन लैख टू लैख होता है सेवन इंटू टेन थाउजेंड ये होता है सत्तर हजार ठीक है नाइन इंटू थाउजेंड ये होता है नाइन थाउजेंड फोर इंटू हंड्रेड ये होता है फोर हंड्रेड जीरो इंटू टेन ये होता है जीरो और फोर इंटू वन होता है फोर इन सबको जब ऐड करोगे तो यही नंबर मिलेगा ये एक्सपैंड कर दिया लेकिन क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स तो हमने एंड पावर्स की हेल्प से ये सीखा था कि ये जो टू है इस टू के साथ मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि टेन की पावर में कितने जीरो एक दो तीन चार पांच तो सर यहां पे टेन जो है ये फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो इंटू टू इंटू टेन एस टू फाइव ही आपको ये नंबर ये वाली प्लेस दे रहा है ऐसे ही प्लस सेवन के साथ क्या मैं बोल सकता हूं टेन रेस टू द पावर ऑफ फोर है प्लस नाइन के साथ क्या मैं बोल सकता हूं टेन की पावर में थ्री है प्लस फोर के साथ क्या मैं बोल सकता हूं टेन की पावर में टू है प्लस इस जीरो के साथ क्या मैं बोल सकता हूं टेन की पावर में वन है और यहां पे ध्यान देना फोर के साथ क्या मैं बोल सकता हूं टेन की पावर में जीरो है ये था तुम्हारा फायदा ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म टेन रेस टू द पावर ऑफ जीरो एनी नंबर रेस टू द पावर ऑफ जीरो विल ऑलवेज गिव्स यू वन तो फोर इंटू वन क्योंकि ये यूनिट प्लेस थी तो यूनिट प्लेस का मतलब फोर इंटू रेस टू पावर ऑफ जीरो इसको कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्म इंटू टेन के फॉर्म में लिखना ठीक है और जीरो से कहानी को चालू करना तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म आंसर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में क्योंकि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चीज को हमें हटाना पड़ेगा एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ जीरो विल गिव यू जीरो तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आया ये आया टू मल्टीप्लाइड विथ टेन डेज टू तो द पावर ऑफ फाइव प्लस सेवन इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ फोर प्लस नाइन इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ थ्री प्लस फोर इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ टू प्लस ये वाली चीज हम यहां नहीं, नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो हो गई ये चीज खत्म है तो ये चीज यहां नहीं है ठीक है फोर इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ जीरो था तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म ठीक है जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा क्लियर हो रहा है तो इस नंबर को मैंने फाइनली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा ये तीन स्टेप हर जगह पे आएंगी हर नंबर के साथ आएंगी हम एक नंबर और ले लेते हैं इसको भी देखिएगा बोर्ड क्लियर कर दूं कॉपी कर लीजिए इसको मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं और नेक्स्ट नंबर लेता हूं चलिए नेक्स्ट नंबर हमें क्या दिया है नेक्स्ट नंबर हमें दिया है थ्री ट्रिपल जीरो सॉरी थ्री डबल जीरो सिक्स वन नाइन फोर कैसे सॉल्व करेंगे क्या मैं बोल सकता हूं थ्री के साथ मल्टीप्लीकेशन है कितने टेंस का? कितने टेंस टेंस का का तो देखना एक दो तीन चार पांच छे. तो यहां पे एक दो तीन चार पांच छ कितने डिजिट हैं मैं आगे से ही लिख रहा हूं तो थ्री मल्टीप्लाइड विथ एक, दो तीन चार पाँच छ इसके आगे के डिजिट काउंट कर लेना एक दो तीन चार पाँच छ कर दिया इसको प्लस करिए इस जीरो के साथ अभी कुछ नहीं है तो मैं लिख देता हूं कि जीरो के साथ मल्टीप्लाई है ये कौन सी प्लेस है वो प्लेस तो लिखनी पड़ेगी ये है इसके आगे के कितने डिजिट्स हैं दो, दो चार पांच तो ये तीन चार पांच प्लस इस जीरो के साथ कितने आगे डिजिट है चार तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई है एक दो तीन चार प्लस सिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है कितने एक दो तीन तो थाउजेंड मल्टीप्लाई में है प्लस ठीक है वन के साथ हंड्रेड मल्टीप्लीकेशन में है प्लस नाइन के साथ टेन मल्टीप्लीकेशन में है प्लस फोर के साथ वन मल्टीप्लीकेशन में है प्लेसेस प्लेसेस मैंने काउंट की हैं तो ये प्लेसेस लिख दी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को तो ये अभी बहुत छोटा होने वाला है डरना नहीं है इतना बड़ा देख के ठीक है एक्सपैंड करने का तरीका से दिखा रहा हूं सिखा रहा हूं ठीक है देखना अब इसको मैं और कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं थ्री इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस जीरो इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव प्लस जीरो इंटू टेन रेस टू द पावर ऑफ फोर प्लस सिक्स इंटू टेन रेस टू द पावर ऑफ थ्री प्लस वन इंटू टेन रेस टू द पावर ऑफ टू प्लस नाइन इंटू टेन रेस टू द पावर ऑफ वन प्लस फोर इंटू टेन रेस टू द पावर ऑफ जीरो हो गया देखना ऊपर पावर्स देखना जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब सीरियल वाइज आ रही है अब इसका फाइनली आंसर क्या दोगे तो आंसर आएगा थ्री इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ सिक्स ये जीरो वाली टर्म्स नहीं आती डायरेक्टली ये आएगा प्लस सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ थ्री प्लस वन इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ टू प्लस नाइन इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ वन प्लस फोर इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ जीरो ये है आपका आंसर तो ये था एक्सपेंडेड फॉर्म इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है एक्सपेंड कर दिया खींच के बताया तो ये दोनों नंबर मैंने सोल्व करवा दिए तीसरा अब आप लोग मेरे साथ सोल्व करिए ये करता हूं मैं बोर्ड क्लियर थर्ड नंबर हमें क्या दिया है ये दिया है टू एट जीरो सिक्स वन नाइन सिक्स अब अपन थोड़ा थोड़ा स्पीड तेज कर लेते हैं देखिएगा क्या होगा टू मल्टीप्लाइड विथ कितने डिजिट है एक दो तीन चार पांच छ तो एक दो तीन चार पांच छ प्लस एट के साथ देखिएगा आगे कितने डिजिट है एक दो तीन चार पांच तो एक दो तीन चार पांच प्लस जीरो के साथ मल्टीप्लाई में है कौन सी प्लेस है जीरो कौन सी प्लेस पे तो एक दो तीन चार तो ये चौथी प्लेस पे है प्लस आगे ध्यान देना सिक्स के आगे मल्टीप्लाई है थाउजेंड ठीक है ऐसी वन के साथ मल्टीप्लाई है हंड्रेड प्लस और नाइन के साथ मल्टीप्लाई है टेन तो ये वाली प्लेस है नाइन इंटू टेन प्लस और लास्ट यूनिट प्लेस है सिक्स इंटू वन तो ये हो गया सिक्स इंटू वन वंस प्लेस ठीक है यह हो गई चीज अब देखो इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो टू इंटू टेन इज टू पावर ऑफ सिक्स प्लस एट इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ फाइव प्लस जीरो इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ फोर प्लस सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू दावर ऑफ थ्री प्लस वन इंटू टेन रेस्ट टू दावर ऑफ टू प्लस नाइन इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ वन प्लस सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ जीरो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर है अब आंसर आंसर कैसे देना है है तो जो जीरो वाली टर्म है, वो में नहीं आती ये आएगा टू इंटू टेन रेस्ट पावर ऑफ सिक्स प्लस एट इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव प्लस सिक्स इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ थ्री प्लस वन इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ टू प्लस नाइन इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ वन प्लस सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर ऑफ जीरो तीन चीजें आपके लिए सॉल्व कर दी हैं बाकी दो चीजें आप खुद से सॉल्व करिए तो ये क्वेश्चन मैं आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूं क्वेश्चन नंबर वन के तीनों पार्ट मैंने करवा दिए क्लियर दो पार्ट अब आपको करने इतना तो आसानी से कर सकते हो ना चलो क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म अब तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर बताओ क्या है तो चलो देखना टू द पावर ऑफ फोर का मतलब क्या देखना इस चीज का मतलब क्या इस चीज का मतलब है कि एट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है चार बार जीरो यही चीज है यही है प्लस सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तीन जीरो प्लस जीरो इंटू टेन रेस्ट टू दावर टू तो जीरो के साथ हंड्रेड मल्टीप्लाई हुआ है प्लस फोर इंटू टेन रेस्ट पावर वन तो फोर के साथ टेन मल्टीप्लाई हुआ है प्लस और फाइव इंटू टेन रेस्ट टू दावर ऑफ जीरो मतलब फाइव के साथ वन मल्टीप्लाई हुआ है देखिएगा एट इंटू दिस तो ये नंबर तुम्हारा होगा अस्सी हजार बाई चार जीरो लगा दिए प्लस ये नंबर होगा तुम्हारा 6000 हजार प्लस ये नंबर तुम्हारा होगा क्या जीरो प्लस और ये नंबर होगा फोर्टी प्लस और ये नंबर होगा फाइव ऐड कर दो तो इन तीनों चीजों का एडिशन 45 हुआ ये 45 फाइव यहां एड हुआ तो ये तुम्हारा हो गया अस्सी हजार प्लस सिक्स जीरो फोर फाइव ठीक सिक्स थाउजेंड प्लस फोर्टी फाइव तो ये हो गया और ये यहां पे ऐड होगा तो ये हो जाएगा एट सिक्स जीरो फोर फाइव तो ये था नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म से भी हम नंबर निकाल सकते हैं और किसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म भी बना सकते हैं क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और सेकेंड पार्ट क्या दिया है फोर इंटू टेन रेस्ट टू दावर ऑफ फाइव तो फोर इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ फाइव का मतलब है इतने जीरो है प्लस फाइव इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ थ्री तो मतलब यहां पे थाउजेंड है प्लस थ्री इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ टू तो इसके साथ है थ्री इंटू हंड्रेड प्लस टू इंटू टेन रेस्ट टू द ऑफ जीरो तो ये है टू इंटू वन टेन एस टू पावर जीरो वन होता है अब सॉल्व करो तो ये आ जाएगा फोर दो दो चार पांच दो दो चार पांच जीरो प्लस फाइव के बाद तीन जीरो प्लस थ्री के बाद दो जीरो थ्री हंड्रेड प्लस टू देखो ये तीन सौ दो हो जाएगा ये तीन सौ दो यहां ऐड होगा तो ये तुम्हारा चार लाख था दो दो तीन तो ये हो गया प्लस फाइव के आगे आ जाएगा थ्री जीरो टू तो ये ऐड होके हो जाएगा फाइव थ्री जीरो टू चीज क्लियर है फाइव थ्री जीरो टू यहां पर चार डिजिट के नीचे आएगा तो ये आ जाएगा फोर जीरो फाइव थ्री जीरो टू क्लियर है तो ये हो गया चार लाख पांच हजार तीन सौ दो तो ये था नंबर आसान है तो ये दो क्वेश्चन तुम्हें समझ आ रहे हैं इजी है ठीक है चलिए क्लियर करते हैं नेक्स्ट देखिएगा इसमें एक सी पार्ट और है इसको भी सॉल्व कर लो थ्री इंटू टेन रेस टू पावर ऑफ फोर का मतलब चार जीरो प्लस सेवन इंटू हंड्रेड प्लस फाइव इंटू वन सॉल्व करो ये हो जाएगा तुम्हारा तीस हजार ये नंबर हो जाएगा तीस हजार प्लस सात सौ प्लस पांच तो ये हो जाएगा दोनों सात सौ पांच और इस 705 को आप ऐड कर दो 30000 के अंदर ठीक है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30705, ये है नंबर क्लियर तो एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने नंबर को निकाल लिया चलिए ये तीन पार्ट हमने देख लिए हैं क्वेश्चन नंबर टू में इसमें एक डी पार्ट और है ये क्या दिया नाइन इंटू टेन रेज टू दावर फाइव तो नाइन इंटू टेन टू द पावर ऑफ फाइव का मतलब पांच जीरो है ठीक है प्लस टू इंटू हंड्रेड प्लस थ्री इंटू टेन टेन रेस टू दावर ऑफ वन का मतलब टेन सॉल्व करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा पांच जीरो प्लस दो जीरो प्लस थर्टी ये हो जाएगा 230 230 यहां ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा नो डबल जीरो दो तीन जीरो तो ये है तुम्हारा आंसर क्लियर नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म से मतलब किसी के एक्सपेंशन फॉर्म से आप नंबर इजली निकाल सकते हो अभी समझ आ गया क्लियर है क्वेश्चन नंबर थ्री देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म इसका मतलब देखना देखो फाइव के बाद कितने जीरोस हैं तो फाइव के बाद एक दो तीन चार पांच छ सात तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फाइव के साथ मल्टीप्लाई है इतने नंबर्स ऑफ़ जीरो तीन तीन सात ये फाइव के साथ मल्टीप्लीकेशन में है और क्या मैं इसको छोटा सा करके लिख सकता हूं फाइव इंटू टेन रेज टू दावर सेवन है बस यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है आ गया आंसर सिंपल ऐसे यहां पे देखना सेवन के साथ क्या मल्टीप्लाई में है तो सेवन के साथ मल्टीप्लाई में है जीरो क्लियर अब इसको अगर कंपैक्ट फॉर्म में लिखता हूं तो ये हो जाएगा सेवन इंटू टेन एज टू दावर सिक्स ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म पहला नंबर हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ठीक है तो पहला नंबर एक नेचुरल तो मैंने कन्वर्ट कर दिया ये था क्वेश्चन दो पार्ट इसका वन एट सिक्स फाइव और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या मैं बोल सकता हूं दस हजार जो है मल्टीप्लाई में है सॉरी दस हजार कह रहा हूं एक लाख जो है वो मल्टीप्लाई में पांच जीरो है तो ये पांच जीरो है इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखता हूं तो ये हो जाएगा थ्री वन एट सिक्स फाइव इन टू टेन रेज टू पावर ऑफ टेन रेस टू पावर ऑफ फाइव हो जाएगा आपको ये चीज समझ आ रही है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि पहला नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए उसके बाद डेसिमल का यूज करना है तो थ्री के बाद मुझे चाहिए पॉइंट तो थ्री पॉइंट वन एट सिक्स फाइव मल्टीप्लाइड विथ टेन रेस टू द पावर फाइव ऑलरेडी था आपका डेसिमल अभी इस पूरे नंबर में नहीं था अब आ गया है तो कहां से आया होगा ये पीछे से ट्रेवल करके यहां पे आया होगा तो जब हमारा डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करता है मतलब हमारा डेसिमल यहां से यहां तक आया ये तभी आ सकता था जब इसके नीचे इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यह तभी हो सकता था जब इसके नीचे कितने जीरोस होते चार जीरो होते अगर इस नंबर के नीचे थ्री वन एट सिक्स फाइव के नीचे अगर चार जीरो होते तो ये पॉइंट यहां से यहां ट्रेवल करता तो अब इस स्टेप को समझना मैं क्या कर रहा हूं मैं इसको हटा देता हूं ठीक है और आपको ये बता रहा हूं कि मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए तो थ्री वन एट सिक्स फाइव मुझे डेसिमल चाहिए तीन के बाद मतलब पीछे से चार डिजिट के बाद और पीछे से चार डिजिट के बाद तभी आएगा जब नीचे चार जीरोस होंगे अब क्योंकि ये चार जीरोस अभी नहीं है, तो मैं डाल देता हूं जब भी मैं डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू डालता हूं तो सिमिलर वैल्यू के साथ मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है तो क्या मैं ऐसा लिख दू टेन रेस टू द पावर ऑफ फोर मतलब टेन रेस टू द पावर ऑफ चार जीरो के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को ये नंबर नहीं था ना मैंने नीचे डाला इसको बैलेंस करने के लिए मैंने न्यूमरेटर में भी वैल्यू डाली और ये जो वैल्यू थी ये अभी भी वहीं पर ही है ये चीज समझ आ रही है इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं थ्री पॉइंट वन एट सिक्स फाइव हो गया मल्टीप्लाइड विथ टेन रेस टू दावर ऑफ फोर प्लस फाइव मतलब नाइन ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको समझना से समझ आएगा देखो तुम्हारा नंबर थ्री नाइन जीरो एट सेवन एट ये नंबर है तुम्हें पॉइंट कहां चाहिए तुम्हें चाहिए पहले नेचुरल नंबर के बाद तो पहला नेचुरल नंबर क्या है थ्री थ्री के बाद मतलब पीछे से कितने डिजिट के बाद चाहिए एक दो तीन चार पांच पांच डिजिट के बाद चाहिए आ जाएगा पॉइंट वहां पे वो उसी केस में आ पाएगा आपने ये चीज डेसिमल एंड फ्रैक्शंस में पढ़ी थी कि जब थ्री नाइन जीरो एट सेवन एट ये जो नंबर है अगर इसके डिनोमिनेटर में एक दो तीन चार पांच अगर पांच जीरो होंगे तो पॉइंट में बदलने के लिए पॉइंट थ्री के बाद आ जाएगा पीछे से पांच डिजिट बाद पॉइंट आएगा ये चीज सीखी है क्योंकि ये ये नंबर नंबर नीचे नहीं था तो मैंने मैंने डाला मैंने डाला है डिनोमिनेटर के अंदर तुम्हें सेम चीज बैलेंस करने के लिए ऊपर डालनी पड़ेगी तो टेन रेस टू द पावर ऑफ फाइव लिख दू यहां पर देखिएगा पांच जीरो है तो ऊपर भी पांच जीरो डाल दिए इस पूरी चीज की वैल्यू आएगी फाइनली आंसर कितनी 3.90878 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इनटू टेन रेज टू द पावर ऑफ फाइव ये है आपका आंसर क्लियर है तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना ठीक है वो हमने सीखा तो इसको हम कर देते हैं क्लियर नेक्स्ट देखिएगा फिफ्थ पार्ट आप देखो यहां पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी 39087.8 पॉइंट है ऑलरेडी ऑलरेडी नंबर में पॉइंट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि पहले नंबर के बाद पहले नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए तो बात को समझना अगर थ्री नाइन आपको कोई नंबर दिया है ठीक है आपको पॉइंट चाहिए चार डिजिट के बाद मतलब चार डिजिट के आगे ये आ जाएगा ये तभी आएगा जब इसके डिनोमिनेटर में नीचे चार जीरो होंगे ठीक है ना क्योंकि अभी नहीं है जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें नहीं है मैंने डाल दिया डिनोमिनेटर में तो जब हम डिनोमिनेटर में कोई चीज डालते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए सेम वैल्यू हमें न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम यहां पे न्यूमरेटर के साथ टेन रेज टू द पावर फोर को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लियर है अब देखना ये पूरी कहानी क्या होगा ये पॉइंट चार डिजिट आगे मूव करेगा तो ये हो जाएगा थ्री पॉइंट नाइन जीरो एट सेवन एट मल्टीप्लाइड विथ टेन रेज टू द पावर ऑफ फोर आ गया आंसर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इतना आसान बहुत इजी है इसको समझना ये वाला भी समझना देखो तुम्हें नंबर क्या दिया तुम्हें नंबर दिया थ्री नाइन जीरो हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर थ्री के बाद पॉइंट तो ये आ सकता है कब आ सकता है जब थ्री नाइन जीरो के डिनोमिनेटर में थाउजेंड होगा सर थाउजेंड क्यों होगा क्योंकि डेसिमल तीन प्लेसेस मूव करने हैं ना तो नीचे तीन जीरो होने चाहिए ये पॉइंट तभी तीन डिजिट आगे खिसकेगा ठीक है तो ये चीज अभी नहीं थी मैंने डाल दी इसके साथ इंटू टेन रेस टू तो पावर थ्री बैलेंस करने के लिए मैं न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा ये पूरी चीज तुम्हारी बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में थ्री पॉइंट नाइन जीरो एट सेवन एट हो गया पॉइंट खिसक गया आगे थ्री पॉइंट नाइन जीरो एट सेवन एट हो गया नंबर इंटू टेन रेज टू तो द पावर ऑफ थ्री ये आ गया तुम्हारा आंसर क्लियर है इजी है तो ये हो गया तुम्हारा सिक्स्थ पार्ट तक क्वेश्चन नंबर थ्री का सिक्स्थ पार्ट तक हमने क्लियर कर लिया है क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा आपके एनसीईआरटी के इसके बहुत सारे पार्ट हैं आपको स्टैंडर्ड आपको एक वर्बल uh, स्टेटमेंट बोला है आपको इस वर्बल स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है

मल्टीप्लाइड विथ टेन रेज टू द पावर ऑफ सिक्स मीटर क्योंकि आंसर देना था किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म अभिषेक सर आपने बताया कि पहले नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट आएगा तो सर हम क्या ऐसा लिख दें 384 डिवाइडेड बाय 100 अगर नीचे 100 होता तो नीचे अगर दो जीरो होते तो फोर के बाद फोर और एट के बाद यहाँ पे पॉइंट आता तो ये हंड्रेड सर हम डाल देते हैं इन टू टेन रेज टू दावर ऑफ सिक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में था इन टू टेन रेज टू दावर ऑफ टू और आ जाएगा ये क्यों आया ये क्यों आया क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने वैल्यू डाली ठीक है मुझे इस चीज को कन्वर्ट करना है 3.84 में ये मैंने कर दिया तो ये वाला फ्रैक्शन बन गया 3.84 और ये दोनों चीजें ये दोनों चीजें क्या बन जाएंगी 10 रेस टू दावर इंटू टेन रेस टू दावर सिक्स प्लस टू मतलब 10 रेस टू द पावर ऑफ 8 मीटर ये है आपका आंसर क्लियर है इतना आसान है पहला वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया ए वाला पार्ट अब इसमें बी वाला देखना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना मीटर पर सेकेंड ठीक है तो इस पूरी चीज को हम कैसे चेंज करेंगे ये तो ओरल है देखो क्या दिया है ये था फर्स्ट वाला सेकेंड वाला देखना यहां पे सॉल्व कर देता हूं फिर पूरा बोर्ड क्लियर करूंगा ये दिया है थ्री के साथ कितने जीरोस दिए हैं देखिएगा दो 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 और दो मीटर पर सेकेंड लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो तो ये आ जाएगा मतलब थ्री के साथ मल्टीप्लाई में है टेन रेस टू पावर ऑफ एक दो तीन चार पांच सात आठ तो टेन रेस टू सेकेंड ठीक है ये तुम्हारा आंसर है बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अब यहां पे क्योंकि दूसरे डिजिट कोई नहीं था पहले ही डिजिट था बस एक ही डिजिट था तो एक ही नेचुरल डिजिट के बाद मैं ऐसा लिख दूंगा तो ये हो गए आपके दो आंसर पहले दो पार्ट के चलो बोर्ड क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका सी ऑप्शन सी ऑप्शन में क्या है देखना डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इतना अब हमें क्या दिया है कि अर्थ का डायामीटर दिया है ठीक है और वो कितना दिया एक वैल्यू है इस वैल्यू को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं ये हो जाएगा वन टू सेवन फाइव सिक्स ठीक है आगे थाउजेंड है तो तीन जीरो है लास्ट में तीन जीरो है तो हम ऐसा कर देते हैं इंटू टेन टू द पावर ऑफ थ्री मीटर ठीक है चलिए ये एम मीटर ठीक है अब आगे समझना मुझे पॉइंट कहां चाहिए मुझे पहले नेचुरल नंबर के बाद चाहिए तो ये कब आ सकता है ये तभी आ सकता है जब वन टू सेवन फाइव सिक्स के नीचे कितने जीरोस होंगे एक दो तीन चार पीछे से चार डिजिट के बाद हमें पॉइंट चाहिए तो नीचे चार डिजिट होने चाहिए मतलब टेन रेस्ट टू द पावर फोर अगर नीचे होता तो हम इसको इस चीज को चेंज कर सकते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम डाल देते हैं डाल दिया इन टू टेन रेस्ट टू द पावर थ्री ऑलरेडी था ये था ऑलरेडी यहां पर टेन रेस टू पावर थ्री इन टू इसको नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए टेन रेस टू द पावर ऑफ फोर मीटर आएगा अब देखो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये चेंज हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो गया 1.2756 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेस टू द पावर ऑफ 7 मीटर ये देखो कितना इजी है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना कोई मुश्किल नहीं है जो आपको करना है जैसा आपको चाहिए था वैसा फ्रैक्शन बनाओ ठीक है जब डिनोमिनेटर में आप कुछ चीज डालोगे तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए सामने मल्टीप्लाई कर दो इतना आसान है क्लियर है चलिए बोर्ड क्लियर करें अब इसका ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट हो गया है डी पार्ट देखना डायमीटर ऑफ सन तो डायमीटर ऑफ सन कितना दिया ये दिया है वन फोर वन फोर दो दो चार पांच छ सात आठ तो इसके बाद आठ जीरो है और आगे यूनिट लिखिए मीटर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो सबसे पहले तो हम इन जो बाद वाली जीरोस हैं उन सब को कंपैक्ट कर देते हैं और ये हो जाएगा टेन रेज टू दावर ऑफ एट मीटर बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट चाहिए तो हमें यहाँ पे चाहिए 1.4। वो तभी आ सकता है जब 14 के नीचे 10 होगा भाई पीछे से एक डिजिट के बाद चाहिए ना ये चाहिए हमें फ्रैक्शन तो ही तो मैं 1.4 लिख सकता हूं तो बना देते हैं इंटू टेन रेस टू द पावर एट ऑलरेडी क्वेश्चन में था और नीचे क्योंकि एक एक्स्ट्रा टेन मैंने डाला उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ऊपर इंटू टेन कर देता हूं तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये तुम्हारा हो जाएगा वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड विथ टेन रेस टू द पावर ऑफ एट प्लस वन मतलब नाइन मीटर यह है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है बच्चो आसान था तो यहां पे हमने डी ऑप्शन भी देख लिया डायमीटर ऑफ सन बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में ई e देखिएगा ई e में क्या दिया इन गैलेक्सी देर आर ऑन एन एवरेज इतने स्टार्स ऑन एन एवरेज इतने नंबर ऑफ स्टार्स देखो इतनी बड़ी संख्या दी है तो क्या मैं इसको इजी फॉर्म में लिख दू वन मल्टीप्लायड विथ टेन और टेन की पावर में कितने जीरो हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इलेवन है बस यूनिट आगे क्या दिए स्टार्स तो नंबर ऑफ स्टार्स दिया है तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया कुछ नहीं करना बस पहले नंबर के बाद पॉइंट चाहिए पहले नेचुरल नंबर के बाद तो वन के बाद अगर मुझे पॉइंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे वन के बाद कोई दूसरा नेचुरल नंबर नहीं है सिर्फ जीरोस की कहानी है तो बस मैं वन उठाऊंगा वहां से और कितने जीरोस हैं वो लिख दूंगा पावर में खत्म कहानी ये था स्टैंडर्ड फॉर्म तो यहां तक आपने ई तक देख लिया क्वेश्चन नंबर में ई तक देख लिया इसके आगे भी कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हैं वो स्टेटमेंट देखना द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है इतना ईयर ओल्ड है ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है ठीक है इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो देखो क्या मैं इसको लिख दू यहां पर लिख देता हूं ट्वेल्व मल्टीप्लाइड विथ कितने जीरोस दिए काउंट कर लो तीन तीन छह सात आठ नो तो इसको तो पहले तो मैं लिख देता हूं टेन टू पावर नाइन इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से ठीक है इसके बाद हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट वन के बाद पॉइंट आना चाहिए वो तभी आ सकता है जब ट्वेल्व के डिनोमिनेटर में टेन होगा यही होगा अब इंटू टेन रेज टू दावर ऑफ नाइन लिखा है यहां पे ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था तो वो हमने लिख दिया ये टेन मैंने डाला है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक टेन और आएगा तो फाइनली मेरा आंसर आएगा वन पॉइंट टू ये वाला जो फ्रैक्शन है ये वन पॉइंट टू बन जाएगा तो वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू दावर ऑफ नाइन प्लस वन मतलब टेन स ओल्ड तो यह है मेरा आंसर क्लियर ऐसे ही दूसरा देखना द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी दिस कर दो थ्री के साथ कितने टेन मल्टीप्लाय है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो मतलब थ्री इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ ट्वेंटी मीटर दिया है आ गया आंसर एक ही नेचुरल नंबर था थ्री लिख दिया ठीक है नेक्स्ट देखना एच वाले में क्या दिया इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पानी के ड्रॉप में और अगर वो ड्रॉप का वेट 1.8 ग्राम है तो आपको दिया है 1.8 ग्राम पानी के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा बहुत बड़ा दिख रहा है डर लगता है देख के तो डरने का नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है देखिएगा ये तो नंबर दिए हैं इसके बाद यहां से लेके तक सिर्फ जीरोस दिए हैं कितने जीरो दिए हैं आखिरी में उनको काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस नाइनटीन जीरो हैं तो क्या इस चीज को सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मुझे दिया है सिक्स जीरो टू थ्री मल्टीप्लाइड विथ टेन रेज टू द पावर ऑफ नाइनटीन मॉलिक्यूल्स बहुत इजी तरीके से लिख दिया देखो कितना छोटा कर दिया अब तुम्हें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सिक्स के बाद पॉइंट चाहिए 6.023 होना चाहिए ये मेरा आंसर है ठीक है तो ये आंसर देने के लिए मैं तभी कर पाऊंगा जब 6.023 के डिनोमिनेटर में थाउजेंड होगा मतलब पावर थ्री होगा अभी नहीं है नहीं है तो मैंने डाल दिया मैंने डाला तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूमरेटर में भी डालना पड़ेगा तो 10 रेस्ट टू द पावर 19 ऑलरेडी था इंटू टेन टू द पावर ऑफ 3 भी करना पड़ेगा पूरा एक फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेज टू दावर ऑफ नाइनटीन प्लस थ्री तो ये हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो टेन रेज टू द पावर ऑफ ट्वेंटी टू तुम्हारा इस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म है इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं किस में होते हैं वन पॉइंट एट ग्राम पानी के ड्रॉप में ये दिया है तुम्हें ठीक है तो इतने में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है हो गया क्लियर अब आई और जे वाला पार्ट बचा है ये मेरे साथ सॉल्व करिए अर्थ है इतना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर वॉल्यूम दिया है कि पूरे अर्थ के ऊपर जो पानी का वॉल्यूम है पानी का जो भार है पूरे अर्थ के ऊपर वो इतना क्यूबिक किलोमीटर है ठीक है इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना ये नंबर को तो बाद के जितने जीरो हैं उनको काउंट कर लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा वन थ्री फाइव थ्री के आगे तुमने मल्टीप्लाई किए कितने टेन तीन और तीन तो ये टेन इज टू दावर ऑफ सिक्स तुम्हें वन थ्री फाइव थ्री को चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये हो जाएगा जब वन थ्री फाइव थ्री के डिनोमिनेटर में होगा क्या थाउजेंड नहीं है डाल दिया टेन रेज टू पावर ऑफ सिक्स मल्टीप्लाइड विथ टेन रेज टू द पावर ऑफ थ्री भी करना पड़ेगा आंसर क्या आएगा ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड विथ टेन रेज टू द पावर ऑफ नाइन किलोमीटर क्यूब क्यूबिक किलोमीटर तो क्यूबिक किलोमीटर का मतलब वॉल्यूम तो ये है तुम्हारा आंसर इतना पानी है अर्थ के ऊपर टेन रेस टू दावर ऑफ नाइन किलोमीटर क्यूब सर किलोमीटर क्यूब क्यों लिखा है क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला था क्यूबिक किलोमीटर मतलब volume. जब भी किसी चीज का वॉल्यूम दोगे तो उसकी यूनिट में थ्री आता है जब भी किसी चीज का एरिया बताओगे तो उसकी यूनिट में स्क्वायर आता है ठीक है तो ये चीज तुम हायर क्लासेस में और अच्छे से सीखोगे यहां तक हमने आई सॉल्व कर लिया है आखिरी जे वाला द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंडिया की जो पॉपुलेशन है मार्च 2001 में इतनी थी ठीक है अभी तो बहुत बढ़ गई होगी समझना वन जीरो के साथ कितने जीरोस मल्टीप्लाइड है तो छह जीरोस हैं तो मैं लिख सकता हूं 1027 जीरो टू सेवन टेन रेस टू दावर ऑफ सिक्स इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो ये बदल जाएगा अगर 1027 के डिनोमिनेटर में थाउजेंड होगा तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.027 इस फ्रैक्शन का क्योंकि नीचे तुमने थाउजेंड डाला है तो ऊपर भी तुम्हें थाउजेंड डालना पड़ेगा टेन टू द पावर ऑफ सिक्स के आगे फाइनली ये ये इन दोनों का आंसर कितना आएगा इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ नाइन ठीक है तो 1.027 पॉइंट जीरो टू सेवन इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ नाइन मार्च दो हजार एक में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया बच्चों तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर थर्टीन में एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री कंप्लीट तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लिया है सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है एनसीआर बुक से सिर्फ तीन ही एक्सरसाइज थी तो ये चैप्टर का थ्योरी और तीन एक्सरसाइज इस वीडियो के साथ खत्म होती है कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आप लोग मेरे आगे की वीडियो को वॉच करो जिसमें मैंने आर डी शर्मा से ये क्वेश्चन को लिया है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है ठीक है तो उन क्वेश्चन को आप वॉच करिए ये सारी वीडियोस कहां मिल सकती हैं सर इजी तरीके से प्लेलिस्ट यूट्यूब में देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो तो आप एक काम करो हमारी मैग्नेट की वेबसाइट पे आइए तो आप सामने सामने तो से आपको जो क्लास चाहिए आपको चाहिए, क्लास सेवन, क्लास सेवन पे करो, सारी मनपसंद टीचर सारे सब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है दिगराज सर हिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स के टॉपिक्स के साथ है ऐसे ही आपके सामने रूपाली वर्मा मैम हिंदी लेकर आई हैं साइंस कोर मैम के थ्रू है यहाँ पे मेरे थ्रू मैथ्स आपको कंप्लीट पूरी मिल रही है इंग्लिश के लिए आपके सामने स्वाति मैम है तो इस तरीके से आपकी सारी क्लासेस इजीली यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं आपको जिसकी वीडियो वॉच करनी है वॉच नाउ पे क्लिक करो वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वो पर्टिकुलर टॉपिक जैसे मैथ्स ओपन हो गया मैथ्स के अंदर कितने चैप्टर्स तो स्टार्ट हो जाएगा तो ये इतना आसान तरीका है डॉट की वेबसाइट पे वीडियो को वॉच करने का तो बच्चों यहीं पर इसी के साथ इस चैप्टर का अंत करते हैं आपको ये बता दिया जाए कि अपना प्यार बनाए रखो बस हमें आपसे यही चीज चाहिए हम लोग आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करो जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे तो जिनको नीड है उनको हमारी लिंक भेजो ठीक है जिनको भी जिस क्लास के बारे में घर बैठे बैठे तैयारी करनी है उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर करो आपका प्यार लाइक और शेयर के साथ बना के रखो तो लाइक और सब्सक्राइब जो करो हमारी वीडियो को हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इन चीजों से ठीक है तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो में जो इस चैप्टर नंबर थर्टीन से रिलेटेड थी उन क्वेश्चंस को आप लोग वॉच करो घर बैठे बैठे तैयारी करो अपना ध्यान रखो बाय एंड टेक केयर